समुद्र विज्ञान में जो रिलीफ ऑफ द ओशियन है वो हमने अब तक उसका अध्ययन किया। हमने ये जाना कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज क्या है, एबिसल प्लेन क्या है, कितना प्रतिशत भाग वो पृथ्वी का कवर करते हैं। पिछली कक्षा में हमने ये जाना, आज हम ये जानेंगे कि जो ओशियंस हैं उसमें जो जल है, जो हमारे महासागर हैं उसमें जल है, उसमें तापमान कितना रहता है और उसका वितरण किस प्रकार से है, उसे हम उसका मापन कैसे करते हैं और क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि ये जो है ये विषय है जो महासागर के जलीय ताप का, उसे हम मैराइन मीटरोलॉजी के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। ये प्रमुख उसका विषय है, लेकिन ज्योग्राफी में हम इसका चूंकि व्हाट वेयर एंड हाउ इसके साथ में संलग्न कर लेते हैं, और वाई ये प्रश्न हम इसके साथ में संलग्न कर लेते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इसका, रीजनल वेरिएशन और द रीजन्स बिहाइंड डिफरेंट टेम्परेचर रेजिम, इसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो यह ओशनोग्राफी कहलाती है। अभी ये जो तापमान है उसको मापन की विधियाँ क्या क्या है, तो सबसे पहले जो आता है वह एक थर्मोमीटर है, जो मानक थर्मोमीटर जिसे कहते हैं, थर्मोमीटर ऑफ स्टैंडर्ड टाइप। इसका उपयोग जो है सरफेस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है, मतलब सतह का जो तापमान है, समुद्री जल के सतह का जो तापमान है उसको उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रकार है रिवर्सिंग थर्मोमीटर। रिवर्सिंग थर्मोमीटर को हम उपयोग में लेते हैं जब हमें सतह का नहीं बल्कि गहराई में तापमान कितना है, तो गहराई में भी अलग अलग परतें होती है, उसका तापमान वेरी करता है, तो क्षैतिज रूप से भी कर रहा है और लंबवत रूप से भी कर रहा है। तो क्षैतिज रूप से जब हम देखते हैं तो थर्मामीटर ऑफ स्टैंडर्ड टाइप का उपयोग करते हैं, और जब हम लंबवत रूप से करते हैं तो रिवर्सिंग थर्मामीटर्स को यूज़ में करते हैं। इनके आधार पर जो ग्राफ बनते हैं उन्हें हम थर्मोग्राफ्स कहते हैं। तो थर्मोग्राफ्स हमारे अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो स्रोत क्या है जिसकी वजह से समुद्र का जल के अंदर तापक्रम होता है। तो इसमें तीन प्रमुख स्रोत हैं जिसको हम सर्वप्रथम जो बोलेंगे बताएंगे वह है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, मतलब जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त हो रही है उस कारण से समुद्री जल का जो तापमान वह बढ़ता है, और यह अक्षांश के आधार पर बढ़ता है। अक्षांश जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहाँ तापमान अधिक रहेगा और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में तापमान कम रहेगा, इसका हम आगे भी अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है सोलर रेडिएशन के कारण महासागरीय जल में तापमान उत्पन्न होता है। दूसरा स्रोत है पृथ्वी की जो आंतरिक ऊष्मा है उस कारण से उसका संचालन होता है, और चूंकि समुद्री जल पृथ्वी पर ही टिका हुआ है इसलिए उसके संपर्क में निरंतर बना रहता है और ऊष्मा का हस्तांतरण होता है पृथ्वी से जल की ओर। तो इस कारण से भी समुद्री जल में तापमान बना रहता है। तीसरा जो प्रमुख स्रोत है वह है केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो लवण पाए जाते हैं समुद्र के अंदर उनके अंदर जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो वो हीट रिलीज करता है, ऊष्मा प्रदान करता है। तो ये तीन प्रमुख स्रोत हैं जिसकी वजह से समुद्री जल के अंदर तापक्रम आता है। अगर हम ये जानेंगे कि भाई हम ये देखेंगे कि जो दैनिक अवस्था है तापमान की, तो हम ये पाएंगे कि देखना चाहते हैं कि भाई समुद्र में दैनिक अवस्था किस प्रकार से रहती है तापमान की, तो हम पाएंगे कि जो मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान है उसका डिफरेंस ही डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाता है, और यह लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है औसत रूप से पूरे समुद्री सतह का। लेकिन यह भिन्नता है इसमें, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में यह रेंज 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में ये 0.2 से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अगर हम औसत इसकी रेंज देखें टेम्परेचर की, तो हम पाएंगे कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वेरिएशन मिलता है तापक्रम में एवरेज एनुअल रेंज, मतलब वर्ष भर में अधिकतम कितना रहा और वर्ष भर में न्यूनतम कितना रहा,
तो हम 12 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के जो है रेंज देख सकते हैं, अधिकतम वेरिएशन मतलब जो अगर हम, लेकिन इसमें भी हम पाएंगे कि जो एनक्लोज सी होते हैं जिसके चारों तरफ लैंड होता है और बीच में सी है, समुद्र है, तो वहाँ पर ये रेंज बढ़ जाती है क्योंकि जल जो है वो चारों तरफ से तरतलीय भाग से घिरा हुआ है और जल का आदान प्रदान बाकी के समुद्र से, बाकी के महासागर से नहीं हो पाता है, इस कारण से वहाँ पर रेंज बढ़ जाती है। शीत ऋतुओं में अत्यधिक शीत हो जाएगा जल और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म हो जाएगा जल, तो इस कारण से रेंज जो है तापमान की वो बढ़ जाती है। अब आप ये आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही समझें क्योंकि एक साथ बताने से जो है आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। फिलहाल आप जो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ हीटिंग, मतलब किस तरीके से समुद्री जल जो है उसमें ऊष्मा संचालित होती है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो अभी तक जो आपने अध्ययन किया उसके संबंध में कोई प्रश्न है तो आपसे पूछें। धन्यवाद।